पाकिस्तानी फिल्म उस वक्त ही उठा के देखें और इंडिया की उठा के देखें तो दोनों की फिल्म मेकिंग का तरीका कि पाकिस्तान में कोई ऐसी पिक्चर बनेगी जो सौ करोड़ रुपए का बिजनेस कर सके वो ड्रीम पूरी होना जो है ना दैट वाज समथिंग वेरी बेग फॉर एनी अदर मूवी तरीक़ेकार जो सिनेमा के अंदर था वो गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया एक फॉर्मेट आ गया वो बी था बी से बी आई वी से फिर सी आई फिर सी डी से डीवीडी आई नाउ एवरी थिंग दो सौ फिल्में सिनेमाओं में लगी hmm. पूरे साल में ठीक है उसमें से सौ अमेरिकन थी hmm. सौ इंडियन थी और बीस पच्चीस पाकिस्तानी ऑल्टरनेट रॉ मटेरियल दुनिया में कहीं भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान की तो फिर और पाकिस्तानी फिल्में क्यों नहीं बन रही गवर्नमेंट हमेशा वही करती है जो आप चाहते है। hmm. हमारे हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है हम बना नहीं पा रहे देन hmm. आर वी गोइंग टू फॉर द एक्सपीरियंस alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. As you can see, we are with the Karachi and we've got another very, very big guest, uh, Nadeem Mandiwala. sahab is an entrepreneur and a cinema owner. Thank you so much for being on the podcast. Thank you, thank you very much for calling me. Okay, sir, uh, start say that there was a time when Pakistani cinema was thriving. नॉट टू सेट वॉज ऑन पार विध इंडिया लेकिन हम भी काफ़ी हद तक uh, एक सिनेमा शॉर्ट ऑफ गोइंग नेशन थे और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वाई डट स्टार्ट टू फॉलो पार्ट और एग्जैक्टली exactly किस टाइम पे uh, वो सनेमा शॉर्ट ऑफ डे पाना शुरू हुआ इंटरेस्टिंग आई डों मेरी अपनी थ्योरी है being in the industry. But how I look at things is probably a little different than how people बिल्कुल जिस राम कॉमन मैन को तो क्या पता हाँ हाँ uh, मुझे ज़्यादातर फीलिंग ये हुई कि पार्टीशन uh, के बाद जो है इंडिया और पाकिस्तानी फिल्में जो हैं ना बाटर में आ रही थी एंड दैट स्टॉप्ड इन 1965 हुँ. एंड प्रोटी मच अगर आप पाकिस्तानी फिल्म उस वक्त ही उठा के देखें और इंडिया की उठा के देखें तो दोनों की फिल्म मेकिंग का तरीका सेम ऑलमोस्ट सेम था hmm. और वो प्रोग्रेशन जो हो रहा था वो वहाँ पर भी हो रहा था यहाँ पर भी हो रहा था hmm. और उस वक्त आप वहाँ की भी फिल्म देख रहे थे यहाँ की भी फिल्म देख रहे थे एंड देन इट्स टॉप इन सिक्सटी फाइव आफ्टर द वॉर कंप्लीट बैन आ गया कि जी वहाँ की फिल्म नहीं आनी mm. अब दो फिफ्टीन ईयर्स बिकेम वेरी वाइट बिकॉज दैट वॉज अ ग्रोइंग टाइम एंड इट वॉज ग्रोइंग इन पाकिस्तान ऑल्सो एंड इट वॉज ग्रोइंग इन इंडिया ऑल्सो एंड वन ऑफ द वेरी बेस्ट फिल्म व मेड फ्रॉम नाइनटीन सिक्सटी फाइव टू नाइनटीन एटी और पाकिस्तान में भी अगर आप देखने जाओ तो सेवेंटीज़ व वेरी बिग एंड ऑल द मेजर स्टार्स जिनको आप आज तक याद रखते हैं वहीद मुराद hmm. हो गया नदीम हो गया मोहम्मद अली एजाब hmm. हो गए शाहिद हो गया hmm. ये सारे उसी दौर के स्टार्स थे स्टार्स हैं hmm. और दे स्टार्टेड ऑफ इन लेट सिक्सटीज़ सेवेंटीज़ सौ बूम एंड दिक्चर्स इज ग्रेट द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टार्टड विद द एडवेंट ऑफ वी सी आर जब वी सी आर दुनिया में आया तो सिनेमा का जो प्रोडक्ट था ना वो टेलीविजन पर नहीं चलता था सो इट टेलीविजन हैड कम दुनिया में टेलीविजन आ गया था लेकिन टेलीविजन वॉज क्रिएटिंग इट्स ओन कॉन्टेंट ड्रामे एक्सेट्रा वट एवर वो अपना जो कॉन्टेंट बनाता था वो अपना कॉन्टेंट बनाता था और सिनेमा अपना कंटेंट बनाता था और टेलीविजन वाज मोर इंफॉर्मेशन उस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती थी सिनेमा वाज कंप्लीट एंटरटेनमेंट एट दैट टाइम पाकिस्तान में भी उस वक्त पी टी होता था वाज नो बिल्कुल वो भी एक सर्टन टाइम से सर्टन टाइम तक चलता था mm -hmm. वो नहीं है कि चौबीस घंटे चल रहा होता था टी सो वी मेड डी बिगेस्ट डेंट इन द वर्ल्ड फॉर सिनेमा बिकॉज वी सी आई बिकेम एन ऑल्टरनेट के जो सिनेमा के अंदर फिल्म चल रही है वो आपके घर में आ गई थ्रू वी एच एस एंड दैट क्रिएटेड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान बिकॉज वी लाइक द इंटायर वर्ल्ड एक नई एडवांसमेंट आई विच वॉज वेरी गुड बट जैसे सिनेमा रेगुलेटेड था दुनिया भर ने वीडियो को भी रेगुलेट करवाया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिनेमा रेगुलेट रहेगा यह रेगुलेट नहीं होगा बिल्कुल हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हुआ कि 1979 से ले से जब पेनिट्रेशन शुरू हुई सही आया तो 75 में था बट असल पेनिट्रेशन शुरू हुई 79 से जब वी छोटा हो गया और, और हर घर में आना शुरू हो गया और अफोर्डेबल भी हो गया लोगों ने खरीदना भी शुरू कर दिया और उसके थ्रू द इंडियन फिल्म अगेन पेनीट्रेटेड इनटू पाकिस्तान पाकिस्तान एंड सडनली उन पंद्रह सालों में जो आ, हजारों फिल्में बनी इंडिया में वो एकदम आपको अवेलेबल देखने को मिल गई एंड दिस वॉज द टाइम ऑफ राजेश खन्ना दिस वॉज द टाइम ऑफ अमिताभ बच्चन दिस वॉज द टाइम ऑफ ग्रेट एक्टर्स हाँ ग्रेट फिल्म ग्रेट स्टार और उनकी फिल्में भी खैर बहुत अच्छी फिल्म भी, भी थी उस, उस, उस जमाने में वो डेंट जो है वो इतना बड़ा हो गया कि पीपल स्टार्टिंग और फिर दूसरा चूँकि ये रेगुलेट नहीं हुआ पाकिस्तान में तो ये चोरी से आ रहा था Piracy. पायरेसी भी और चोरी भी थी सो वो चोरी चलती रही लोगों के लिए आसानी होती चली गई कि उन तक वो पहुंच रही है और एक तरीक़ेकार जो सिनेमा के अंदर था कि भाई एक प्रॉपर तरीका है उसका लाने का और गवर्नमेंट के थ्रू लाते हैं यहाँ वो गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया और आज तक नहीं किया अभी चालीस साल गुजर गए चालीस uh, साल के बाद भी आपका वीडियो जो है वो रेगुलेटेड नहीं है आप किसी भी uh, वीडियो शॉप में चले जाओ डीवीडी शॉप में चले जाओ कुछ भी ले लो और कुछ भी ले लो सो टिल टुडे इट इज़ नॉट रेगुलेटेड उसी ज़माने में इंडिया में इट बिकेम अ वेरी बिग कंसर्न क्योंकि दुनिया में जब नई एडवांसमेंट आती है तो उस वक्त कोई सोच नहीं रहा होता रेगुलेट करने का वो hmm. तो बाद में जाके उसके अफेक्ट आने शुरू होते हैं तो पता लगता है एंड सेम इज़ द स्टोरी इन इंडिया के दे स्टार्टेड फीलिंग कि भाई ये तो uh, लोग सिनेमा जाना बंद कर देंगे और ये तो चोरी में हर चीज़ बिक रही है hmm. तो अनलेस एन वी गेट इट रेगुलेटेड और ये प्रॉपर तरीके से हो कि इसका भी जो रेवेन्यू है वो हम तक पहुँचे Uh, तभी ये हमारे लिए uh, फ़ायदेमंद होगा वरना तो ये बहुत बड़ा डैमेजिंग हो जाएगा hmm. और सरप्राइजिंगली uh, काफ़ी साल पहले मैं इंडिया गया हुआ था एंड किसी के साथ मैं जा रहा था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट अ फिल्म तो मैंने उनको कहा कि वो हमारे यहाँ लग रही है तो उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ मार्च में लग रही है तो मैंने कहा यार क्या फर्क पड़ता है वैसे ही देख लेना hmm. कहते कहाँ देख लेंगे hmm. <laughs> तो मैंने कहा यार वीडियो पे आ जाएगी तो कहता है नहीं नदीम भाई यहाँ वीडियो पे नहीं मैं आती mm. यहाँ वीडियो शॉप पे आप कोई पायरेटेड वीडियो नहीं ले सकते और मैं इतना शौक हुआ कि मैंने उसको कहा कि मुझे अभी वीडियो शॉप लेके चलो mm. और मैं वहाँ डी शॉप पे गया एंड एवरी पिक्चर विच वॉज इन दैट शॉप देयर सेंसर देर सेंसरबोर्ड और उस पर स्टिकर लगा हुआ था एंड mm. That was the way which I thought that this was the biggest advancement which India did for themselves, mm -hmm. for their industry, which we never did. Mm -hmm. and they saved themselves from that. nothing is regulated. is mm regulated. -hmm. And because it is not regulated, you will लेकिन जब आप सिनेमा पे आते हैं तो वो सारे 1940 के लॉज उठा के ले आते हैं <laughs> कि नहीं जी सिनेमा नहीं हो सकता सिनेमा में तो लॉ है बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसके अलावा हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं एंड आई वांट टू टू कम बैक दिस क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेल ऑफ थॉट है कि हमने रेगुलेशन मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था क्योंकि मैं बचपन में ऑबियसली आप किसी भी साइड की दुकान जाते थे कुछ भी खरीद सकते थे बट वो एक पैच आया मेरी बचपन में पहले तो मैं इस्लाम आबाद का रहने वाला हूँ तो एक होता था नैफ डेक आपको पता नहीं याद है नहीं इस तरह छोटे मोटे सिनेमाज़ थे फिर वो भी ख़त्म हो गए थे फॉर वाइल आई बिली मुशरफ के अरा के बाद था यहाँ कांट रिम्बर एक पॉइंट पाकिस्तानी सिनेमा ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था सैनिमा जाना एक कॉन्सेप्ट uh, ही नहीं था सिवाए आपकी जो ये गुजर फिल्म होती थी पंजाबी uh, की जो फिल्म थी डिड द मेक इट वर्स फॉर सिनेमा ओनर्स लाइक योर सर जब वापस हम सनेमा क्रिएट करने की कोशिश किए और डिट दिन हार्ड टू से एक पॉइंट तो सिर्फ वो पंजाबी एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ फिल्म बन रही थी ना uh, जिसमें शान कोई निन्यावे दफ़ाया शायद लेकिन दैट गुजर स्टाइल ऑफ फिल्म जो सिंगल प्लेक्स सिनेमा में एक्चुअली इट इज लिंक् जब मैंने आपको कहा कि वट बिकेम योर डिस्ट्रैक्शन वी एडवेंट ऑफ बी सी आर के थ्रू दैट अब वो एडवेंट है ना एक फॉर्मेट आ गया वो बी सी आर था बी सी आर से बी एच एस आई बी एच एस से फिर, फिर सी डी आई फिर सी डी से डी वीडी आई तो वो उसी के ऊपर चले जा रहा है बिल्कुल hmm. और अब वो भी चीज़ खत्म हो गई नाउ एवरी थिंग इज ऑनलाइन जी सो so, uh, हुआ ये कि उसने आपकी उर्दू फिल्म बंद कर दी क्योंकि उर्दू जितनी आपकी प्रोडक्शन थी दैट वाज इन डायरेक्ट कंपटीशन विद द इंडियन फिल्म बिल्कुल हिंदी से और राधर अ कंपैरिजन विद हिंदी फिल्म बट रीजनल को वो नहीं ख़त्म कर सका एंड पंजाबी वाज योर रीजनल सिनेमा जैसे अगर आप इंडिया में देखने जाओ तो बॉम्बे uh, होते हुए भी हिंदी सिनेमा होते हुए भी देर इज अ वेरी वाइब्रेंट साउथ सिनेमा बिल्कुल in fact जो मलयालम में, में है तेलगु में है तमिल में है तो ये एक बहुत बड़ा उनका एरिया है वेर सिक्सटी परसेंट ऑफ देयर सिनेमा इज इन साउथ सो दे आर देयर ओन इंडस्ट्री उनका बॉम्बे से कोई ताल्लुक भी नहीं है और वो अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं उधर सो so, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आपका सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट सिनेमा वो दें पंजाब और वो पंजाब में होने की वजह से आपकी पंजाबी फिल्म की एक वाइब्रेंस बहुत बड़ी थी एंड दैट इज वाई इट टुक यर्स एंड बिफोर द उर्दू फिल्म डिबैकल वो तो डिबैकल कर चुकी थी लेकिन पंजाबी एग्जिस्ट और वो लास्ट कर गई थी और वो लास्ट करती रही लेकिन चूंकि इंडस्ट्री एज ए होल खत्म होती जा रही थी तो उसमें आपको वो डिटीरिएशन नजर आनी शुरू हो गई इवन पंजाबी में आपको डिटेरिएशन नजर आनी शुरू हो गई और बाद में जैसे आपके अभी एक परसेप्शन है कि जी वो, वो गंडासे की फिल्में बनती थी तो वो गंडासे की फिल्में बनती ही इसलिए थी क्योंकि उसमें भी एक डिटेरिएशन थी बट डेट फिनिश्ड इन टू थाउजेंड में जाकेटलीस्ट उर्दू की डिटीरिएशन स्टार्ट हो गई थी एटीज में hmm. और एटीज से लेके टू थाउजेंड अटेम्प वर मेड hmm. बट आ, देर वॉज नो उर्दू इंडस्ट्री एनी मोर hmm. बट पंजाबी एग्जिस्ट वो बीस साल चलती रही पंजाबी को मारा है केबल ने इन टू थाउजेंड वन जब आपने केबल पाकिस्तान में लाइसेंस दिए और केबल पे भी आपने रेगुलेट नहीं किया और उनको भी खुली छूट मिल गई उनको भी आपने खुली छूट दे दी एवरी थिंग आन वॉज अलाउड एवरी थिंग वॉज अलाउड ऑन केबल और uh, केबल वालों ने चार चार चैनल खोल ली है जिस पर चौबीस घंटे अंग्रेजी फिल्में चल रही हैं चौबीस घंटे इंडियन फिल्में चल रही हैं उसके बाद सरमा ख़त्म हो गया और सर वेर वी आर नाउ मतलब हमारे पास यू नो डिफरेंट फिल्म मेकर जिस तरह के लोग जो पॉडकास्ट पे आए हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि यार फिल्म बनाने का इशू ये है कि देर नॉडर्न ऑफ सनेमाज़ तो हम इतने सैनम नहीं हैं तो इतनी टिकट्स नहीं बेच पाएंगे इतने टिकट्स नहीं बेच पाएंगे तो उतना रेवेन्यू नहीं, तो नहीं क्रिएट पाए कर पाएंगे लेकिन जो आप बात कर रहे हैं बड़ी सेंसिबल बात है कि जो जो व्यूअर है उसके पास तो ऑप्शन है मैं हूँ मैं अपने घर पर नेटफ्लिक्स पे, पे अमेज़ॉन पे या मिसाल के तौर पर केबल पे डाउनलोड करके पचास हज़ार तरीके से चीज़ देख सकता हूँ इज़ देर इन अ मार्केट टू ग्रो मोर सिनेमा जो लोग कहते ना सिनेमा है सिनेमा बनाओ सौ सिनेमा चाहिए हज़ार सिनेमा चाहिए इंडिया में पता नहीं कितने सनेमा है वो हमेशा कोट करते हैं यूर सिनेमा इज़ देर अ मार्केट टू क्रिएट अ थाउजेंड सिनेमाज़ इन पाकिस्तान एक्चुअली अगर आप देखने जाओ ना तो ये ये जो बारह तेरह साल सिनेमा बनते रहे पाकिस्तान में और बड़े अच्छे अच्छे सिनेमा बने अगेन बिकॉज ऑफ द पॉलिसी चेंज कि आपने इंडियन फिल्मों को आने दिया बिल्कुल और दैट बिकेम द बिगेस्ट इंसेंटिव वाई न्यू एंड न्यू सिनेमा के मट असल मसला आपका रेगुलेशन ही है इवन hmm. उस मसले के साथ भी के आपने उसको एक्नोलेज नहीं किया या आपने उसको ठीक नहीं किया है दे वॉज अ सर्टन मार्केट विच वॉज स्टिल रेडी टू कम टू दिनेमा और अगर आप ये 2007 से लेके टू थाउजेंड तक जितना भी सिनेमा आप देखोगे जो पाकिस्तान में बना है वो हाई टेयर सिनेमा बिल्कुल वो मिड स्टेयर या लोअर टेयर सिनेमा नहीं बना और ये क्यों है? जैसे मैंने जब हम इंडिया गए तो मैंने उनसे वहां से पता किया कि भाई आपके यहाँ जो एरियाज में अमीर लोग नहीं रहते या छोटे शहरों में सिंगल तो आप में लोग क्या क्या कर रहे हैं वहां पर नहीं सिंगल स्क्रीन तो चली नहीं रही दुनिया में आप कहीं इट इज ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सेज ठीक है सो so, uh, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तीन uh, हमने डिजाइन किए हैं कि एक हाइस्ट उस पर हमारा इतना खर्चा होता है पर सी एक मिड है एक लोअर तो दे स्टार्टेड मेकिंग थ्री टेयर सिनेमाज कि जहाँ इलाका जिस तरह की ऑडियंस वो उस किस्म का खर्चा करने लगे और वो मल्टीप्लेक्सेस बनाने लगे हमारे यहाँ बनाई सिर्फ अमीर आदमी के लिए लेकिन इसकी वजह क्या है मतलब मैं भी अब से मेरा अगला सवाल ये था नहीं वजह वही है एवरी थिंग रिमेन्स अनरेगुलेटेड सो मैंने आपको कहा कि पहला प्रॉब्लम हमारा वो है hmm. लेकिन उस प्रॉब्लम के एग्जिस्टेंस के बावजूद दे वॉज एन ऑडियंस विच वॉज द रिच क्लास हु केम आउट टू फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ दिनेमा बिल्कुल हजार 2000 हजार देना कोई हाँ से. उनके लिए कोई मसला नहीं है hmm. लेकिन आपकी बाकी जितनी ऑडियंस है क्योंकि देखो ना जब ये स्टार्ट हुआ और नए नए सिनेमा बनना शुरू हुए तो आपके पुराने सिनेमा भी एग्जिस्ट कर रहे थे और उनका रेट बहुत कम था बिल्कुल अगर एट्रियम में छह सौ रुपए का टिकट था तो कैपरी और निषाद के ऊपर तीन सौ रुपए का टिकट था बट वहां पर कोई आने के लिए तैयार नहीं था वही इंडियन फिल्म यहां पर भी लगी हुई थी वही इंडियन फिल्म वहां पर भी लगी थी यहां टिकट नहीं मिल रहा था वहां खाली पड़ा हुआ था So, वो खाली क्यों रहा इसका मतलब वो देखना नहीं चाहते वो देखना चाहते हैं बट उनको फ्री में मिल रही है और उनको जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसके ऊपर वो खर्चा क्यों करेंगे और आपका ये ख्याल है कि अलाउट ऑफ पीपल से कि यार वो जो इंडियन मूवीज पे हमने बैन लगाया था इस दफा भी बिग डिफरेंस टू सिनेमा मतलब आपके पास तो मैं आपको एक बताऊँ हम घड़ी घड़ी इंडियन फिल्म पे आ जाते हैं इट्स नॉट अबाउट इंडियन फिल्म इट्स अभी मैं आपको स्टार्ट्स uh, बता दूं कि uh, 2018 के अंदर वी डेड अबाउट 225 हंड्रेड एंड ट्वेंटी फिल्म सवा दो सौ फिल्में सिनेमाओं में लगी hmm. पूरे साल में ठीक है उसमें से सौ अमेरिकन थी hmm. सौ इंडियन थी और बीस पच्चीस पाकिस्तानी अब वो तेरह से जब हमने बनाना शुरू किया टू थाउजेंड थर्टीन से आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की और वो एटीन तक जाके वो बीस पच्चीस पे आ गई थी सो hmm. so आप नाइनटीन से एकदम आपने वो सौ फिल्मों को बंद कर दी दैट्स फिफ्टी परसेंट ऑफ योर रेवेन्यू नॉट रेवेन्यू इट्स फिफ्टी परसेंट ऑफ योर कॉन्टेंट योर रॉ मटीरियल सो इट इज लाइक आस्किंग अ फैक्ट्री कि मैं आपका पचास परसेंट रॉ मटेरियल बंद कर दूंगा नहीं। लेकिन आप चलते रहें वो कैसे चलेगा वो नहीं चल सकता वो उसी वक्त चल सकता है कि आप उसका एक ऑल्टरनेट रॉ मटेरियल उसको दें, ऑल्टरनेट रॉ मटेरियल दुनिया में कहीं भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान के दैट मीन्स अगर इंडियन फिल्म का वॉयड आपने खत्म करना है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म कर सकती है बिल्कुल क्योंकि ऑडियंस जो है वो या पाकिस्तानी देखेगी या इंडियन देखेगी इंग्लिश नहीं देखेगी इंग्लिश की तो आपकी बहुत थोड़ी मार्केट है बहुत छोटी तो, मार्केट है तो फिर और पाकिस्तानी फिल्में क्यों नहीं बन रही मतलब हाँ दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन कि पाकिस्तान में आप, आप जो इंडिया से भी फिल्में मंगा रहे थे वो उसका वॉयड पूरा कर रहे थे अगर पाकिस्तान में सौ फिल्म बन जाए तो दैट्स गुड इनफ बट उसके लिए तो आप सिनेमा खत्म कर चुके थे 2007 में सात में सो अभी तो आप पहले सिनेमा तो बनाए एंड वे डाउन हम 50 करोड़ रुपए की मार्केट बना चुके थे hmm. हमें 100 करोड़ की मार्केट चाहिए थी hmm. कि हमारा सिन्मा 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सके hmm. तो वो आप हाफ वे थ्रू थे जब आपने फिर दोबारा बंद कर दिए सो hmm. so अगर आप वो चलते रहते और दस साल और गुजार लेते और आपकी एको, एको बन जाता हाँ आपका अपना बन जाता वो रुक दी और उसके रुकने से एकदम रिवर्स पे आ गया अब मसला ये हो गया कि प्रोग्रेशन खत्म हो गई और सरवाइवल शुरू हो गई कि जो एग्जिस्टिंग है उसको कैसे बचाया जाए आप उसके पीछे पड़ गए कि उसको बचाओ और अभी तक आप बचा ही रहे और अभी तो वो जो प्रोग्रेस हो रही थी हर साल आपकी इंडस्ट्री वाज ग्रोइंग बाय थर्टी फाइव परसेंट एवरी ईयर देर वॉर सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन टू थाउजेंड नाइनटीन विच वर ऑलरेडी ऑन द वे सिनेमा रिलेटेड सिनेमा रिलेटेड बड़े शहरों के अंदर बड़े सिनेमा बन रहे थे hmm. वो दे ऑल हैड टू कैंसल सो वो कैंसलिंग हो गई ना अब आप वो अगर चलाते रहते तो आज आपके पास सिनेमा बढ़ता चले जाता मैं आपको एक सबसे बड़ी इसकी एग्जाम्पल देता हूँ टू hmm. में अली जफर ने फिल्म बनानी शुरू की तीफा बिल्कुल सो तीफा so, अली न्यू मी वेरी वेल अच्छा। और वो कुछ साल डेढ़ साल लगा उसको बनाने में फिल्म अली मस्ट हैव कॉल्ड मी इन दैट इंटायर पीरियड कुछ पांच या छह बार और वो पांच छह बार उसकी बात शात वो अपडेट देता था अब ये हो गया ये कर लिया ये वो कर लिया और वो सारा कुछ करने के बाद वो मुझसे एक सवाल जरूर करता था कि नदीम भाई वो मेरी फिल्म जो है ना यहाँ इस टाइम पे जाके तैयार हो रही है तो इसके बाद अगर मैं देखूँ तो इस टाइम पे लगेगी इस साल में लगेगी और फिर उसका एक सवाल आता था कि नदीम भाई उस वक्त तक कितने सिनेमा और खुल जाएंगे दैट वॉज योर बिगेस्ट इंसेंटर फॉर फिल्म मेकर क्योंकि द फिल्म कि बाय द टाइम हम अपनी फिल्म कंप्लीट करेंगे चार सिनेमा और आ जाएंगे दस स्क्रीनें और आ जाएंगी हमारा जो ग्रॉस इतना है उसमें करोड़ दो करोड़ रुपए ऐड हो जाएगा जब एक इतनी ग्रोइंग मार्केट में आप आते हैं तो हर आदमी का एक इंसेंटिव होता है कि वो उसके अंदर इन्वेस्ट करे एंड दैट वाज वाज हैपनिंग हैपनिंग विद द एंड इट इन इन द प्रोडक्शन आल्सो सो वो इंसेंटिव ही आपने खत्म कर दिया सो hmm. so, आप वो एक्सपेक्ट करना लोगों से कि भाई अब आप फिल्में बनाए hmm. नहीं बना सकते सो so, वॉट मतलब मिसाल के तौर पर आपका ख्याल ये है कि एज्यूमिंग हम मैं सुन रहा था कोई कह रहा था आ, कि जो अगली हुकूमत आएगी अगले महीने इन शह लेट्स सी लेकिन जो अगली हुकूमत आएगी जी वो पत्नी इंडिया से अच्छी हैं तो वो खोल देगी बॉलीवुड का सीमा इज वे टू सरवाइव टू ओपन अगेन आपने तो सिर्फ एक डिसीजन लेना है ठीक है And what's the way to save दिया था चालीस hmm. साल से hmm. आपने इंडियन फिल्मलाउ की भी hmm. थी ना बिल्कुल और चालीस साल के बाद आपने इंसेंटिव दिया ना hmm. गवर्नमेंट नहीं दिया न hmm. किसी ने प्राइवेटली तो नहीं दिया Hmm. तो जब इंसेंटिव आपने दिया है और आप ही ने वापस लिया है hmm. तो उसका हल भी आप ही ढूंढेंगे hmm. वो प्राइवेटली नहीं आ सकता बिल्कुल एंड दे हैव द बजट मतलब प्राइवेटली no, प्राइवेटली आ नहीं सकता ना वो इंसेंटिव प्राइवेटली आया था hmm. उस इंसेंटिव के ऊपर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुई थी सो आइदर यू कम योर पॉलिसी एंड सेव दिन अगर आपने पाकिस्तान का सिनेमा बचाना है तो यू है पॉलिसी बट या फिल्में बनवाएं hmm. और फिल्में बनवाने में, में मेरा ये भी सवाल था जिस तरह लेट से अब मौला जाट है ठीक है एक स्पेसिफिक फिल्म की बात करते हैं आई बिलीव इट अभी तक तो इस्लामाबाद में आपके सिनेमा में सेंट तो अभी तक चल रही है आई डों कहाँ कहाँ और चल रही है लेकिन चल ले रही है, है। ऐसा नहीं है कि लोग जाएंगे नहीं राइट सो मौला जट लोग नो मतलब... नो देखें आप इंडिया से भी सौ फिल्में मंगा रहे थे साल हुँ, की हुँ, तो क्या सौ चल रही थी ऑफ कोर्स नॉट मैं किसी भी साल का अगर आपको अभी कह दू कोई भी साल उठा लू और मैं आपको कहूं कि यार आप नाम तो लें इंडिया की कौन कौन सी फिल्म आई थी इस साल में तो चार पांच के बाद आपको नाम नहीं बताऊंगे क्यों फ्लॉप थी बाकी सब फ्लॉप थी इट्स नॉट अबाउट कि भाई फिल्में कितनी आ रही आपको एक रेगुलर सप्लाई uh, चाहिए बिल्कुल वो एक ही हफ्ता चले लेकिन सिनेमा वाले को एक रेगुलर सप्लाई मिल रही है उसको कुछ ना कुछ दिखाने को मिल रहा है हाँ उसी के अंदर पाँच छः आठ फिल्में ऐसी आती हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस करके जाती हैं और जो लोगों को याद रहती हैं कि यही वो फिल्में थी जो आपको याद रहती हैं कि यार वो सिल हाँ वो बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर थी अच्छा मैं इसी पे आ रहा था एक एक मुझे बात समझाएं डिस्ट्रीब्यूटर जो रोल होता है एक तो ये हमें नहीं पता ना लेकिन मैं इनका इसका मतलब क्या है दूसरा आपने भी बात की ना कि फिल्म एज्यूमिंग चलें एक तो पाकिस्तानी की फिल्म इशूज़ हैं ना अब आते हैं थोड़ा सा जनरली हाउ डू पिक अ मूवी मतलब आ, मैं कभी कभार ये सोचता हूँ ना से मैं आपके सिनेमा जाता हूँ इस्लाम में रेगुलरली तो मूवीज़ लगी हुई हैं अब आर यू पेइंग बल्क फॉर द फॉरन फिल्म की बात करूँ पाकिस्तानी पर मैं आता हूँ बल्कि यार ये, ये फिल्मेटेजेंटेज no, तो हाँ, जितने भी टिकट बिकेंगे आपके पचास परसेंट आपको जाएगा पचास परसेंट नाम जाएगा सो बेसिकली सिमा इज नॉट बाइंग एनी पिक्चर अच्छा सो हाँ। so, जो भी फिल्म हाँ। लेके आ रहा है उसकी पिक्चर आप चलाते हैं और है। उसको 50 परसेंट चले जाता है आपको 50 परसेंट आ जाता है और जो बड़े सिनेमा हाउस सॉरी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं नेट से डिज्नी की तरह वॉर्नर ब्रदर्स का वो डिक्टेट करते हैं टर्म्स या वो बस एक स्टैंडर्ड यही फिफ्टी ही 50 चलता है दर इज अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ स्कैसिटी इन पाकिस्तान ऑफ सिनेमा यहाँ सिनेमा डिस्क्रिएट कर रहा है यहाँ अभी

आप लोग खुद फिर फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं डिफरेंट uh, टाइम्स पे एक तो हाउ हमनी फिल्म्स डू यू लाइक like, डज योर uh, कंपनी प्रोड्यूस इन ए, इन ईयर एंड देन आई डोंट अच्छा यू डोंट प्रोड्यूस एनी फिल्म्स सो यू डोंट पुट मनी इनटू टू एनी फिल्म आपके पास अगर कोई नहीं है रेगुलर कोई नहीं उस वक्त पे जब आप डालते हैं उसमें कोई पर्टिकुलर वजह होती है आप कहते नहीं हैं? मैंने अभी लास्ट एक ही फिल्म में आ, इन्वेस्ट किया था वो दैट वाज जामी बट दैट वाज फॉर जामी इट वाज नथिंग टू डू विद हिज मूवी मोर में इन्वेस्ट किया था दैट वाज दैट वाज समथिंग पर्सनल बिकॉज़ इफ योर रिलेशनशिप विद सेंस मेक सेंस अच्छा जो अब मुझे आई वुड लव टू डू इट बट देन

हर फिल्म मेकर नहीं पाकिस्तान नहीं होता आ, मैं आपको इसी तरह बता दूं कि मोर भी मेरी फिल्म थी और सिन्मा भी मेरे थे और मोर के दो ही शो लगे हुए थे नो इट्स नॉट बेसिकली हमारी जो अपब्रिंगिंग की गई या हमें जो सिखाया गया था वो बहुत सही सिखाया गया था कि दोनों चीज़ों को मिलाना नहीं कभी अगर कभी करो भी जिंदगी में

सो बेसिकली प्रोडक्शन कंपनीज जो है यूजली एक फिल्म पे काम कर रहे हुए होते हैं hmm. और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डिफरेंट फिल्मों पे काम कर रहा होता है विद द एग्जिबिटर्स सो उसका एक कंटिन्यूस uh, ऑन रहता है सिनेमा वालों के साथ hmm. क्योंकि वो डिफरेंट फिल्में कर रहा होता है hmm. और चूँकि वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता है उन फिल्मों के अंदर सो hmm. ऑटोमेटिकली so उसके लिए इट्स मच ईजियर टू गेट द मोर फिल्म फ्रॉम डिफरेंट ऑफिस एंड डिफरेंट ऑफिस डू नीड अ डिस्ट्रीब्यूटर के वो अग्रीमेंट्स करे सिनेमाओं तक प्रिंट पहुँचाए सिनेमाओं से पेमेंट ले ये सारा काम भी एक डिफिकल्ट काम है कि अगर आप नए आ रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप हर सिनेमा तक कैसे पहुँचेंगे तो उसका एक नेटवर्क बना हुआ होता है तो वो नेटवर्क आप यूज़ करते हैं ठीक है अच्छा सर आपने एक और बात की अभी अबाउट यूर फैमिली एंडसी इन सिनेमा आपकी फैमिली किस तरह इन्वॉल्व हुई थी इस बिजनेस में और आप क्योंकि बहुत अरसे से uh, मेरी फैमिली एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं हुई थी बट बाय चांस हुआ था कैसे वी अ प्रॉपर्टी इन लाहौर सनोबर सिनेमा और वो प्रॉपर्टी लीज पे थी किसी के पास एंड माई फादर जस्ट टू कट ओवर तो वो जब आया तो वो ऐसे जैसे वो सिनेमा चूंकि उस, उस पर बना हुआ था तो mm -hmm. वो लैंड cinema के साथ आ गया एंड दैट्स हाउ ही गॉट इन्वॉल्व इन टू सिनेमा बिजनेस बट उसी प्रॉपर्टी को uh, चलाते हुए ही गॉट इन्वॉल्व विद सतीश साहब फादर जे सी आनंद एंड थ्रू हिम ही बिकेम इंटरेस्टेड इन सिनेमा इंडस्ट्री और कराची में 1963 में जो निशाद लिया था mm. वो जे सी आनंद साहब की वजह से ही लिया था अब ने ही गॉट द डील डर सो माई फादर केम इन टू द लाइन बिकॉज ऑफ जे सी आनंद एंड फिर वो ज़ाहिर सी बात है देन ही गॉट इन्वॉल्व विद द सिनेमा बट ही वाज ऑलवेज एन एग्जीबिटर मैं 1980 में बैठना शुरू हुआ और 85 तक पाँच साल तो मैं रिसर्च करता रहा कि ये ऐसे क्यों है ये ऐसे क्यों है हमारी इंडस्ट्री ऐसी क्यों है उस रिसर्च के बाद कुछ चीज़ें मुझे अपनी बड़ी क्लियर हो गई कि थिंग्स नीड टू इम्प्रूव द वे वी आर डूइंग बिजनेस इज़ नॉट द राइट वे सो देर आर सम एक्सटर्नल कंडीशंस जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस थी तो उसके लिए भी आपको लड़ना ज़रूरी था कि वो रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाए तो वो रिस्ट्रिक्शंस हटाने में लग गए हम और उसी के बीच में हम एक्सपेरिमेंट्स भी करने लग गए तो वो एक्सपेरिमेंट्स करते करते वो बाद में पता लगा कि यार इसको बड़े स्केल पे ले जाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है सिर्फ सिनेमा में बैठ के काम नहीं होगा तो फिर नाइन्टीज में डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए क्योंकि नैपडा ख़त्म हो गई इम्पोर्ट दोबारा फ्री हो गई तो उसकी वजह से फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन में आए और सर आपने कभी ये नहीं सोचा कि अच्छा एक इंडस्ट्री है ड्रामों की मैं अगर बात करूँ वहाँ पर रेगुलेशन भी कम है वहाँ पर पैसा भी सपोजिटली अपेरेंटली ये ड्रामे बहुत चलते हैं मैं वैसे देखता नहीं हूँ इस तरह लेकिन जनरली सुनने में आता है डिड यू एवर थिंक ऑफ चेंजिंग बिजनेस लाइन फ्राम फिल्म टू टी वी और इवन फ्राम फिल्म टू क्रिएटिंग योर ओन लोकल ओ टी टी मिसाल के तौर पर आए हैं अभी भी हैं वैसे बट uh, आपने कभी इन दोनों चीजों को कभी सोचा? एक्चुअली हमारे वक्तों में ना जब इंडस्ट्री hmm. का बहुत बुरा हाल होने लगा hmm. तो एवरीबडी टू वी इवन उस वक्त जो बड़े नाम थे सतीश साहब थे hmm. या सजाद गुल टी वी नेवर एक्साइटेड मी देर वॉज नो चैलेंज इन टी वी फॉर मी इट वॉज सिनेमा का जो चैलेंज है वो टी वी में है नहीं इट वॉज नॉट अबाउट मेकिंग मनी एंड हैड टू हैटली फाइट ऑल्सो फॉर सिनेमा एंड क्योंकि hmm. हम तो सारी उम्र यही सुनते रहे थे कि पाकिस्तान में सिनेमा जो है वो कभी भी नहीं चलेगा एंड द बिगेस्ट ब्लेसिंग वी गॉट वॉज के हमारे होते हुए भी और होते हुए वो हमने पॉलिसी चेंज देखी और फिर उस पॉलिसी चेंज का आप हिस्सा बने कि पहला सिनेमा पाकिस्तान के अंदर डी एच ए सिनेमा लाहौर जो खुला 2007 में वो मेरे थ्रू खुला पहली फिल्म जो पा, आई मुगल आजम वो मैं लेके आया सो दैट वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग बाय भैया ऊपर वाले ने आपको वो जो फाइट कर रहे थे आप 20-22 साल रिवॉर्ड दिया उसका रिवॉर्ड भी दे दिया आपको और फिर जो सिनेमाज आपने बनाए मतलब डी एच ए से एट्रियम बनाया एट्रियम से फिर सेंटोरस बनाया दे बिकेम जाइगेंटिक और वो सिनेमा आपने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ सोच भी नहीं सकता था नहीं। मुझे तो 20 साल लोग कहते रहे कि आप कहाँ की बातें करते हैं पाकिस्तान में कैसे ये सिनेमा आएगा ये हो ही नहीं सकता चल ही नहीं सकता सो एवरी थिंग विच आई वी हर्ड कि ये हो नहीं सकता पाकिस्तान में इट हैपन एंड टू दैट पॉइंट आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू assume अभी तो जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं लगता है कि बहुत ही यू you नो know, बुरे हालात हैं खैर पाकिस्तान के भी बुरे हालात हैं लेकिन नहीं अभी कोई बुरे हालात नहीं अच्छा आपको लगता है कि अभी बुरे हालात हो जाएंगे अगर आपने सिनेमा गिरने दिया हाँ और सिन्मा... अगर आपने सिनेमा बंद होने दिया फिर बुरे हालात हो जाएंगे अभी हालात बुरे नहीं हैं हाँ इसी पर अभी तो आप एग्जिस्ट कर रहे हैं इसी पे मैं आ रहा था मिसाल के तौर पर सुनने में आता है गैन आई डोंट नो लेकिन कहते हैं कि इवन इन द यू एस ऑब्वियसली इंडिया में तो ये बात हमें पता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ना गवर्नमेंट सब्सिडीज़ एंड देन इवन फॉर एग्जाम्पल आर्म फोर्सिस का बहुत रोल किसी की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता है राइट इट्स अ टूल आप प्रोपाकेंडा कह सकते हैं आप इसको आप इसको स्टोरी टेलिंग कह सकते हैं आप इसको पीट्रियटिज़म के लिए कह सकते हैं लेकिन बहुत एक सॉलिड आई आई मीन आई डोंट नो वे आई एम जूमिंग लेकिन आई एम श्योर लाइक द लाइक्स ऑफ अर टॉप गान एन द ए एट इज़ हैड समथिंग टू डू विद एस नेवी एंड एयरफोर्स आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ द फिल्म कम आउट ऑफ इंडिया वहाँ पर वो एट लीस्ट कुछ बर्डन उठा रहे हैं uh, लोग कहते हैं अगेन मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम लेकिन कि मुशरफ के एरा में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी थिएटर थी को uh, म्यूज़िक को और सैनम को थिएटर एज इन जो आपका ड्रामे हैं इन स्टेज बट ये वाली इंटरवेंशन होती भी है पाकिस्तान में और और होगी मतलब मिसाल के तौर पे विल विल द गवर्नमेंट इटसेल्फ बैक फिल्म्स और विल द एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट इट्स अबाउट योरसेल्फ कि आप कितना चाहते हैं अगर आप चाहेंगे गवर्नमेंट हमेशा वो ही करती है जो आप चाहते हैं अगर सिनेमा वाले चाहेंगे अगर फिल्म इंडस्ट्री चाहेगी कि hmm. हमने भी बाईस साल लड़े ना लड़ने के बाद दे दी ना आपको इंडियन फिल्म आपको अच्छा सिनेमा बनाने की इजाजत दे दी ना यही रिस्ट्रिक्शन थे ना आप अच्छा सिनेमा ही नहीं बना सकते थे तो आपको लगता है अगर हम लड़ते आप गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिसी थी कि जी डेढ़ सौ परसेंट आपके ऊपर एंटरटेनमेंट ड्यूटी है अब अगर आपके ऊपर सौ या डेढ़ सौ परसेंट एंटरटेनमेंट ड्यूटी है तो आप क्या चीज़ बनाएंगे आप बना ही नहीं सकते कुछ पंजाब के अंदर डेढ़ सौ परसेंट ड्यूटी होती थी एक रुपए का टिकट ढाई रुपए में बिकता था डेढ़ रुपए गवर्नमेंट को जाता था एक रुपये आपको आता था अब आप सोचिए अगर हजार रुपए का टिकट हो और वही डेढ़ डेढ़ सौ परसेंट हो तो ढाई हजार का बिकेगा ना तो हजार रुपए का टिकट जब ढाई हजार का बिकेगा तो बायर कितना होगा सो दे इशूज जिनसे हम लड़ते रहे तो वो इश्यूज बड़े रेलेवेंट थे कि आपकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही थी और, और आपकी आप इंडस्ट्री नहीं की hmm. hmm. <laughs> देखें, दुनिया भर में हर इंडस्ट्री जो है ना वो एवोल्यूशन का प्रोसेस पूरा करती है hmm. हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई नाइनटीज में एंड इट री स्टार्टेड इन टू थाउजेंड थर्टीन ये बात है नाउ वेन देर इज अ गैप तो रीस्टार्ट कहां से हुआ आपने रीस्टार्ट किया कैसे अगर इंडस्ट्री नहीं थी अगर आपके सारे स्टूडियोज लाहौर के बंद हो चुके थे उनके मेकर्स, फिल्म मेकर सब खत्म हो गए थे तो फिर स्टार्ट कहां से हुई स्टार्ट टेलीविजन ने की लेकिन आपकी जितनी फिल्में बनी हैं, वो टेलीविजन वाले लोग बना रहे हैं उनकी स्कूलिंग टेलीविजन की है उनकी स्क्रिप्ट्स भी टेलीविजन की है उन्होंने सीखा ही टेलीविजन है <laughs> <laughs> उनको आता ही नहीं है हाँ <laughs> उनको आता नहीं है एंड दैट्स इज दैट व्हाई यू थिंक हमें यही यही है? चीज अगर आप इंडिया लेके चले <laughs> तो इंडिया की इंडस्ट्री में जब कोई भी नया आदमी आता है और वो सीखना चाहता है तो उसको फिल्मों के साथ <laughs> अटैच किया जाता है <laughs> उसको बोला जाता है कि यार दो साल बैठ के काम करो तो वो फिल्मों में काम कर वो टेलीविजन पे नहीं काम कर रहा होता वो फिल्मों में काम कर रहा होता है एज एन एडीआर काम कर रहा होता है एज एन एडिटर काम कर रहा होता है कोई भी जो उसकी स्कूलिंग हो रही होती है वो फिल्मों के हिसाब से हो रही होती है आपकी जो सोच है वो वहां से चेंज होती है formats, में आप बैठने आपके यहां सबसे बड़ा भी इशू ये चल रहा है कि आपका जो फिल्म मेकर है वो चूंकि टेलीविजन से आ रहा है उसकी सोच भी टेलीविजन वाली mm. है बारिंग अ फ्यू दो तीन हु हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट सिनेमा इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनेमा एंड एंड टेलीविजन अदर देन दैट आपके मेजोरिटी फिल्म मेकर जो हैं लेकिन ये अगेन ये भी एक प्रोसेस है hmm. They have to go through the flops and the mistakes, etc. प्रोसेस वही है कि जितनी बनाओगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई क्या चीज़ नहीं ठीक है और क्या चीज़ ठीक है हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है हम बना नहीं पा रहे नहीं। और अगर मैं आपसे छोटो फेक मैक्रो लेवल पे बात करूँ पाकिस्तान से भी बड़ा सवाल अब बहुत सारा आना शुरू हो गया कि यार ये ओ टी टी आए हैं आपके अमेजोन और नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा डिजनी और ये अब फिल्म अगर आप देखें इंटरनेशनली भी

मैं बचा पड़ा, बड़ा बड़ा इसमें हुआ हूँ मैं आल्टिकटिक लाइक फ्लाइट टू कराची टू फाइंड लेकिन बहुत सारे यंग लॉट हैं मुझसे छोटे आपको जो जेंजी जिन्हें कहते हैं जो आई पैड पर बड़े हुए हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो सिनेमा में जाएं वो इधर अपने पहले सिनेमा वॉज पहले वी सी आर वीसीआर तो बाद में आया hmm. उससे पहले टेलीविजन आया hmm. टेलीविजन से पहले क्या था hmm. आप सिनेमा जाते थे उस वक्त इट वॉज मैंडेटरी इट वॉज ए नेसेसिटी उस जमाने में जो सिनेमा बना करता था तो वो चार टेयर में बनता था hmm. एक ग्रैंड सर्कल होती थी उसमें फिर hmm. एक ड्रेस सर्कल होती थी फिर सर्कल होता hmm. था फिर एक स्टॉल होता था hmm. वो चार क्लासेस बनाते थे hmm. वो चार क्लासेस क्यों बनाते थे क्यों जाना था नहीं एवरी वॉक ऑफ लाइफ द ओनली एंटरटेनमेंट इन वर्ल्ड विच हैड ऑडियो एंड वीडियो दे वॉज नो अदर फॉर्मैट रेडियो था और सिनेमा था उसके बाद एडवेंट आया टेलीविजन का सो वेंट टेलीविजन केम

Hmm. In fact, आपकी फिर इसमें ये, ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल hmm. देता हूँ इसके ऊपर आज कराची के अंदर आपको जिस रेस्टोरेंट का खाना खाना है hmm. मैं आधे घंटे में आपको मंगा देता हूँ hmm. फूड पे फूड hmm. पैंडा पे उसकी अपनी वेबसाइट hmm. से दे विल डिलीवर एट योर होम देन वाई आर वी गोइंग टू रेस्टोरेंट इट्स एन आउटिंग बिल्कुल इट्स नॉट ओनली एन एक्सपीरियंस इट्स एन आउटिंग फॉर यूमिली यू कैंट होम सेवन डेज यू है आप या खाना खाने जाएंगे या फिल्म देखने जाएंगे सो ऐसा नहीं है दुनिया में आज तक सिनेमा जो अभी सर्वाइव भी कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है कि वो आउटिंग के अंदर बदल गया है वो नेसेसिटी खत्म हो गई है बट नाउ इट इज बिकम बिग आउटिंग सो so, आप भी अगर फिल्म अच्छी हो अगर एक्साइटिंग फिल्म हो और आपके पास वो आईपैड पे भी हो वो फोन पे भी हो यू से कि नहीं यार वहाँ चल के देखते मजा आएगा उसके साथ उसको भी बुला लो इसको भी बुला लो इट्स अ गैदरिंग गोइंग आउट सो दैट इज नॉट गोइंग टू फिनिश एंड द ऑडियंस विल बिकम लेस हर हर एडवांसमेंट जो आती है वो आपकी ऑडियंस को एक डेंट जरूर मारती है। बट if... इन्हीं वक्तों में hmm. आप देखने जाओ कि में कितनी दुनिया आ गई। सुनना पे आई है ना बिल्कुल बिल्कुल उसके पास तो ऑप्शन नहीं था कि hmm. वो किसी टैबलेट पे देख ले या hmm. टीवी पे देख ले या कहीं भी देख ले hmm. तो फिल्म की जब एक्साइटमेंट आती है तो उसके लिए हर आदमी चाहता है कि यार मैं बेहतर से बेहतर जगह और सिनेमा से बेहतर जगह है कोई नहीं hmm. और व्हाट अबाउट जो अब इंडी इन, फिल्म्स की, की, की अगर मैं आपको एग्जांपल जिस ना जॉय आई थी एंड इट डिड वेल ऑन एन इंटरनेशनल सर्किट एंड देन इट केम टू पाकिस्तान विद अब वो एक ऐसी फिल्म थी जो शायद अगर मैं आई डोंट नो लेकिन अगर वो रिलीज़ होती लोकली तो वो ऑब्वियसली फिल्म बॉडी एंड बोर्ड और ये सारे इशूज चलते हैं लेकिन इज़ अ गुड राउट

हमारे जमाने में जब स्टैंड अलोन सिनेमा होता था वी नेवर हैड एन ऑडियंस मतलब हम मैं उस वक्त जब नाइन्टीज में हम काम कर रहे थे मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं एनिमेटेड फिल्म लेके हूँ अमेरिका से वहाँ लगती थी बिल्कुल और वो बड़ा जबरदस्त काम करती थी बड़ी जबरदस्त चलती थी स्टोरी तो से हम नहीं मंगाते थे <laughs> क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ के सिनेमा में मैं चला ही नहीं सकता कोई चलाएगा ही नहीं कोई आएगा ही नहीं तो ये मेरे एक बहुत बड़ा शौक था ये कि एनिमेटेड फिल्म आनी शुरू हो और जैसे नया सिनेमा बना 2007 के बाद आई एन ऑडियंस बिकॉज वो सिनेमा ही अलग था बिल्कुल बिल्कुल वो उस ऑडियंस को कैटर कर रहा था जो ऑडियंस वो एनिमेटेड फिल्म देखती थी एंड देन सम ग्रेट एनिमेशंस केम एंड गेम इस सिनेमा के अंदर आपको जो नया सिनेमा है आपका मॉडर्न सिनेमा है खूबसूरत बहुत है उसके अंदर आपको ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मिल रहा है कि वो उसकी ऑडियंस जो है वो वस्टाइल है वो एक तरह की फिल्म नहीं देख रही वो जहाँ एक एक्शन पिक्चर को मौलाजट को बहुत बड़ा हिट करा रही है वो ओपन हाइमर को भी हिट करा रही है बिल्कुल स्लो पे स्लो बर्न नहीं वो बातें ही बातें हैं बिल्कुल स्लो बर्न है ना तीन घंटे तीन घंटे का डायलॉग हा, हा, हा। है हाँ, हाँ। और उसने उसको हिट करा दी ये हमारे जमाने में नहीं था ये पुराने सिनेमा में डू यू थिंक ओटीटी प्लेड अ पार्ट इन दैट बिकॉज़ नो 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 इट्स द सिनेमा व्हिच इज प्लेड अ पार्ट टू बी अलाउड टू सो दैट सिनेमा इज केटरिंग टू दैट काइंड ऑफ एन ऑडियंस सिनेमा महंगा हो गया है वो एक रिच क्लास को आ, आ, आपको कैर कर रहा है, है। और वो रिच क्लास जो है वो बहुत वर्सेटाइल है वो कोई भी अच्छी चीज़ देखेगी सो so, वो इंडी फिल्म हो कमर्शियल फिल्म हो कैसी भी हो कॉमेडी हो एक्शन हो इट डज नॉट मैटर टू देम अगर अच्छी है तो वो उसको देखने आएगी सो so, ये अटैम्प्ट होनी चाहिए uh, अगर आपको ये अटेम्प्ट समझ में आती है आप वो करो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिल्म बनाओ कुछ भी बनाओ आप बुरी बनाओ आप अच्छी बनाओ <laughs> आप, लगे रहो। हाँ क्योंकि फिल्म बनना बहुत ज़रूरी है टू प्रोग्रेस बिल्कुल टू इम्प्रूव योर सेल्फ जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे आप बेहतर नहीं होगे। बिल्कुल चलिए सर आपने हमें बड़ा टाइम दिया और बड़ी चीज़ें हमें समझाई भी लास्ट क्वेश्चन uh, um, आप जब एक मुमकिन है इंसान की जिंदगी में सिनेमा ओनर नाव वेरी पैशनेट अबाउट फिल्म वो कौन सी फिल्म है कु भी इंडियन कुड भी पाकिस्तानी कुट भी हॉलीवुड कुड भी वेर एवर देट हैड दी बिगेस्ट इम्पैक्ट आप सिनेमा में एज ए चाइल्ड और इवन एज एन एडल्ट देख रहे थे बेस्ट इज माई फेवरेट मूवी एवर माई फेवरेट तो खैर बहुत सारी होती हैं वो वक्ता लेकिन जिस तरह मेरा जो बच्चा था आई रिमेम्बर मैं गया दुबई उस जमाने पाकिस्तान में बैंड थी और oh, oh, और yes. एक एक्साइटमेंट होती है एक आपको जो चीज़ याद रह जाती है या आपने उस पर मेहनत की होती है और मेरे साथ बहुत सारी हैं ऐसी जिन पे मैंने बहुत मेहनत की या बहुत मैं उनके साथ लगा रहा और मेरी अपॉर्चुनिटी ये थी कि मैंने उनको रिलीज किया बिल्कुल सो so, वो जो एक्साइटमेंट होती थी वो भी टाइम के साथ साथ चेंज भी होती थी <laughs> हर पिक्चर की एक अपनी एक्साइटमेंट ah. होती है बट माई बेस्ट एक्साइटमेंट हैज़ बीन नॉट एज अ फिल्म बट एक जो ड्रीम थी मेरी दैट केम ट्रू एज फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन वॉज कंसर्न के uh, हम सारी उम्र सोचते रहते थे hmm. कि पाकिस्तान में कोई ऐसी पिक्चर बनेगी जो सौ करोड़ रुपए का बिजनेस कर सके hmm. वो ड्रीम पूरी होना जो है ना दैट वाज समथिंग वेरी बिग फॉर एनी अदर मूवी वरना तो मूवीज तो फिर बहुत सारी हैं hmm. जिनको आपने रेट किया हुआ है अपने लिए कि भई hmm. ये बहुत जबरदस्त है बिल्कुल इनको चलिए सो मोलाजेट वाज रियली एक्सेप्शनल इट इज आई 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 हैव बीन इन सिनेमा थ्रू फॉर ओवर द

एंड ग्रेट तीफा इन ट्रबल ये सब कमर्शियल फिल्में थी अच्छी हुँ, थी हुँ, मजा भी आया इनको देखने का बट वो बाहर ऊपर नहीं जा रहा था आई वाज वेटिंग जो परफेक्ट so हो जो जिसको आप कहें कि यार ये कमाल की है, वो उसका मजा वो जो है वो जट ने और उसकी यूनिकनेस भी है ना, यूनिकनेस भी थी उसकी जो फिल्म मेकिंग थी वो बहुत आगे की थी वो हमारा लेवल नहीं है जो hmm. उस उसमें no आपको नज़र आया बिल्कुल. वो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगा कि यार ये हमारा काम ही नहीं है hmm. ये बाहर का काम है मोस्ट hmm. विजनरी uh, hmm. वैसा विजन पाकिस्तान में अभी नहीं है hmm. किसी भी फिल्म मेकर के पास नहीं है जो उस लड़के के पास है hmm. और इवन uh, आप देखोगे हमने जहाँ उसको लिखा है hmm. तो हमने लिखा ही है दो मोस्ट विजनरी डायरेक्टर क्योंकि वो जिस विजन के साथ काम कर रहा है एक्चुअली तो फिल्म मेकर का काम ही है कि आपके पास वो विजन होना चाहिए और बट हमारी जो ग्रोथ है वो उसमें वो विजन किसी और के पास है नहीं जो बिलाल के पास बिल्कुल बिल्कुल चले सर दिस इज़ रियली इंसाइटफुल बहुत कुछ सीखने को मिला थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग इफ यू एंजॉयड द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट